हाय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे और आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया था, थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले तो पोस्टर राइटिंग कराया, फिर मैंने आप लोगों के लिए एप्लीकेशन लेकर के आया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन से होंगे जो आपके इस बार एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, एक बार देख लेना, आप लोगों को ऑटोमेटिकली यहीं से सारी चीजें याद हो जाने वाली है। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी स्टार्ट द वीडियो। पहला वाला है आप लोगों का लीव का एप्लीकेशन। लीव यानी होता है छुट्टी, क्या होता है भाई साहब, छुट्टी के लिए, ठीक है ना। लीव यानी क्या होता है, छुट्टी के लिए आवेदन। तो देखो कैसे बना रहे हो आप लोग, टू द प्रिंसिपल। अब देखो सारा का सारा जो सेटअप रहेगा ना, पूरा लिखने का तरीका, वो पूरा एक ही साइड पे रहेगा, एक ही फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है ना। ये सभी को लाइन आती होगी, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका है वो लिख देना है, ठीक है। लिख दोगे इतना इतना तो बना ही लोगे, मुझे पता है यार, इतने भी बच्चे नहीं हो आप लोग, ठीक है ना। फिर आप लोग लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहां पर मिलेगा, पेपर में ही आपको क्वेश्चन में दे देगा कि भैया एप्लीकेशन फॉर थ्री डेज लीव, क्या बोल देगा आप लोग को, एप्लीकेशन फॉर थ्री डेज लीव। तो आपको तीन दिन की छुट्टी के लिए, या फिर अगर आप लोगों को सिक के लिए आता है यानी कि बीमार हो आपको, तो भी आपको यही वाला एप्लीकेशन लिख के आना है, ठीक है ना। ठीक, इतना लिख दिया, रिस्पेक्टेड सर लिख देना। फिर अब मेन माजरा स्टार्ट होता है यहां से। देखो मैं आपको बताता हूँ कि याद कैसे करना है। देखो ये जो आप लोगों को ब्लू कलर से लिखाना है, इसको पॉइंट दे दो, पॉइंट नंबर वन, ठीक है, दे दिया। आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12 इन योर स्कूल। ये लाइन सभी बच्चे को याद होनी चाहिए, क्या, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12, जिस भी क्लास में वो लिख देना, ठीक है, इतना तो लिख दोगे। फिर अजावे सेकेंड, दूसरा कलर दिख रहा होगा आप लोगों को, आप लोगों का पर्पल कलर, इसमें देखो इसको दे दो आप लोग पॉइंट नंबर टू, ठीक है, दे दिया। दो तीन ही पॉइंट याद करूंगा, देखना सब याद हो जाएगा। फिर I have been suffering from fever since last night. क्या कहना चाह रहा है कि भाई I have been suffering, मैं कब से पीड़ित हूँ, सफर कब से कर रहा हूँ इसमें, last night यानी कि बीती वाली रात होती है, last night को क्या बोलते हैं, बीती रात, क्या बोलते हैं हम लोग, बीती हुई रात। तो बीती रात से आप लोग क्या कर रहे हो, सफर कर रहे हो, किससे, फीवर से, ठीक है। सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, इसलिए मैं भैया स्कूल नहीं आ सकता हूँ। तो आपने आप बता दिया थर्ड पॉइंट, ठीक है, so I cannot attend the school, clear, बन गए तीनों पॉइंट। फिर आप लास्ट में लिखेंगे kindly grant me leave of three days, I shall be very grateful to you। याद नहीं हुआ ना, याद नहीं हुआ, मुझे पता है, इसको दे दो पॉइंट नंबर फोर, ठीक है, क्या बोलू, kindly grant me, मुझे दे दो भैया कितना, तीन दिन का छुट्टी, ठीक है, I shall be very grateful to you, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी रहूंगा, ये आप कहना चाह रहे हो। तो आपने चार पॉइंट्स याद किया, याद करा दूं क्या मैं, क्या क्या कराया मैंने आप लोगों को, देखो पहले मैंने आपको बताया कि आई एम द स्टूडेंट ऑफ, आई एम स्टूडेंट वाली लाइन थी, याद करो, ठीक है ना, आई एम स्टूडेंट वाली लाइन थी फर्स्ट लाइन। फिर सेकंड क्या था, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10th, 11, 12th, ओके, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे ही बताया था, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है ना, ये वाली लाइन बता दिया था, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ओके। फिर थर्ड क्या बताया था आप लोगों ने, सो वाली लाइन बताया था, याद करो, सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, ओके, बता दिया। फोर्थ नंबर क्या था, काइंडली वाली लाइन थी हमारे पास में, काइंडली ग्रैंट मी, ओके, ग्रैंट मी फॉर थ्री डेज लीव, ऐसे था, ठीक है ना, काइंडली ग्रैंट मी लीव ऑफ थ्री डेज। इसके बाद लास्ट में क्या लिखते हैं, आप सभी को याद है, थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली स्टूडेंट, स्पेलिंग देख लेना ऑबिडेंटली का, ठीक है, नाम, उसके बाद क्लास, फिर आप लोगों का डेट, इतनी ही चीजें आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब देखो लेटर एप्लीकेशन नंबर टू पे चलते हैं, एप्लीकेशन फॉर टीटी, टीसी बोल दो, सीसी बोल दो, एसएलसी बोल दो, यानी कि टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, सीसी का मतलब होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एसएलसी का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये तीनों अगर आपको आता है ना, तो तीनों का तीनों ही एक ही आप लोगों का एप्लीकेशन है। बताऊं कौन सा है, देखो ये वाला है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है, क्लियर।
इसको लिखना कैसे देखो, सबसे पहले लिखो टू द प्रिंसिपल या हेडमास्टर, जो लिखा वो लिख दिया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो भी है आपके स्कूल का नाम वो डाल देना। अब यहाँ पे आपको स्कूल का नाम अपने वाला नहीं लिखना, जो एग्जामिनर आपको देगा वही वाला लिखना है। फिर सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, तो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो क्या है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट या तो फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिस्पेक्टेड सर। फिर आप लिखेंगे आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, 10, 11, 12 इन योर स्कूल। ये लाइन पहली वाली सभी एप्लीकेशन में लिखनी है, ठीक है। माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल। ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है इसको पॉइंट नंबर टू दे दीजिए, और ये जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है यानी कि डार्क ब्लू से, इसको दे दीजिए आप थर्ड नंबर। तो सेकेंड लाइन बस आपको याद करनी है, और थर्ड लाइन पहली वाली तो सभी में कॉमन रहेगी। तो आपने क्या लिखा, माई फादर इज अ गवर्नमेंट सर्विस होल्डर, मेरे पापा क्या है गवर्नमेंट अधिकारी है, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, उनका क्या हो गया भाई स्थानांतरण हो गया, स्थानांतरण, ठीक है ना, उनका क्या हो गया ट्रांसफर हो गया, कहां हुआ दिल्ली टू भोपाल, दिल्ली से भोपाल हो गया है। तो अब देखो वहां जाओगे आप लोग, सो वी आर शिफ्टिंग देयर, आप लोग वहां पर क्या हो रहे, फोर्थ लाइन में आप लोगों ने क्या बताया, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं वहां, सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली ग्रांट मी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। लास्ट लाइन ये क्या लिखते पता है, आई रिक्वेस्ट वाले में जो आपको चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों के फिफ्थ नंबर पॉइंट हो जाएगा, ठीक। तो देखो मैं यहीं पर याद करा दे रहा हूं आप लोगों को, याद करना है आप लोगों को। देखो पहला पॉइंट आप लोगों को क्या था, पहला पॉइंट तो याद ही रहेगा, ठीक है ना। मेन क्या याद करना है आप लोगों को, देखो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, माय फादर वाला, ठीक है, ऐसे लिख लेना ट्रिक से माय फादर। दूसरा पॉइंट आप लोग क्या लिखोगे, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, ही हैज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है, ये लाइन हो गई। इसके बाद वाली लाइन क्या थी आप लोगों की, वी आर शिफ्टिंग, अब ट्रांसफर होगा तो आप वहां पर क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, वी आर शिफ्टिंग, ठीक है ना, हम लोग वहां पर क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। इसके बाद आप लोगों की लाइन क्या हो जाएगी, सो रिक्वेस्ट, सो आई रिक्वेस्ट, तो आप लोग क्या कर रहे हो वहां पर, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपने ऐसे बता दिया चार पॉइंट, चार पॉइंट याद करना, आपका ये वाला एप्लीकेशन तैयार हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका, थैंकिंग यू यू आर ओबीडियंट स्टूडेंट, नेम जो भी आपका वो बताना है, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पर नेम ना आपको ना एग्जाम में अगर नहीं देगा तो एक्स वाई जेड डाल देना, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं डालना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बुक बैंक, ठीक है, बुक बैंक का आपका एप्लीकेशन, ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में। देखो क्या लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी देगा वो आपको एग्जामिनर, वही आपको छाप के आना है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट तो वही रहेगा, एप्लीकेशन टू इशू फ्रॉम द बुक बैंक, ओके। देन आप क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। अब यहीं से फिर से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो गई, पहला पॉइंट फिर से सेम रहेगा, फिर आपका दूसरा रहेगा माय फादर इज पुअर फार्मर, ठीक है। तो मैं यहां पर देखो पहला पॉइंट बना के लिख दे रहा हूं माय फादर वाला, ठीक है, वहां पर भी माय फादर था लेकिन आपके पापा वहां पे क्या थे, सर्विस होल्डर थे, यहां पे आपके फादर कैसे हैं, पुअर फार्मर है, ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट क्या है, ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय माय कोर्स बुक, वहां पे आपका क्या हो रहा था, टीसी वाले में आपके पापा का फिर ट्रांसफर हो रहा था लेकिन यहाँ पे वो बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप बोलेंगे ही कैन नॉट, ओके, कैन नॉट बाय बोल सकते हो या अफोर्ड बोल सकते हो, ठीक है ना, डायरेक्टली बना लो ही कैन नॉट बाय माय कोर्स बुक। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोग पास में, ये हो गया आपका पास में सेकेंड पॉइंट था, ये थर्ड पॉइंट हो गया, फिर ये फोर्थ पॉइंट, फिर आप डायरेक्टली लिख देना सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज माई कोर्स बुक इशू फ्रॉम द बुक बैंक। आपको क्या करना है भाई, तीन ही लाइन याद करनी है, आई काइंडली रिक्वेस्ट वाली, ठीक है, आई काइंडली रिक्वेस्ट, ये लाइन आप लोगों ने लिख दिया, आपका ये एप्लीकेशन खत्म हो गया, ठीक है। यूर ओबीडियंटली स्टूडेंट, नेम, क्लास, जो भी आपको देगा वो आपको लिख देना है, ठीक है, लिख दोगे इतना बना लोगे, आई होप कि आप लोग इसे बना लेंगे, ठीक है ना, जल्दी से बना लोगे। देखो मैंने आपको तीन एप्लीकेशन बता दिया, पहला का टीसी का, फिर आप लोगों का बुक बैंक का, और फिर मैं आपको बताया लीव का एप्लीकेशन, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा, आप लोगों ने इस वीडियो को बहुत ही इंजॉय किया होगा और आप लोग यहाँ से सारे का सारा बना लिए होंगे, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।